हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग पांच ऐसे गलतियां के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेन ने किया है। अगर बेन उन गलतियों को नहीं करता तो उसको इतना मुश्किल नहीं होता जीतना। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर वन, बेन एंड केविन ट्राई टू हैक ओमनीट्रिक्स। अब हम सभी को पता है कि बेन 10 एलियन फोर्स के एक एपिसोड में हमें देखने को मिला था जहां पर बेन एंड केविन जो है वो ओमनीट्रिक्स को हैक करना चाहते थे, पर वहां पर हैक नहीं हुआ ओमनीट्रिक्स। उसके बजाय केविन जो है केविन को एक अलग रूप मिल गया और बेन के चार एलियंस भी भाग चुके थे। तो बेन की वो सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसको विलगेक्स के साथ फिर फाइट भी करना था, पर बेन ने उस गलती को सुधारा भी और बेन ने उन एलियंस को भी पकड़ा, पर वहाँ पर केविन को वो ठीक नहीं कर पाया। तो बेन का ये सबसे पहला मिस्टेक था। नंबर टू, बेन स्पॉइल द ओमनीट्रिक्स। अब हम सभी को पता है कि बेन 10 क्लासिक में बेन ने काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ किया था ओमनीट्रिक्स के साथ। वो हर बार ओमनीट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करता था। वो कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल या कोई और मोड ऑन करना चाहता था। एक बार तो हमें देखने को भी मिला था कि बेन ने मास्टर कंट्रोल को भी अनलॉक कर लिया था, पर वो तो गलती से हुआ था। क्या होता अगर गलती से हुआ सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑन कर लेता तो ओमनीट्रिक्स फट जाती, लिटरली गाइस ओमनीट्रिक्स फट जाती और वहाँ पर पूरे का पूरा अर्थ भी खत्म ही हो जाता। और गाइस, हमें एक एपिसोड में ये भी देखने को मिला था कि बेन ने इतना ज़्यादा छेड़छाड़ किया था ओमनीट्रिक्स के साथ, बेन के जो एलियंस है वो फ्यूजन एलियन बनना स्टार्ट हो जा रहे थे। और वहीं पर बेन से एक गलती ये हुआ था कि उसने उस ओमनीट्रिक्स के ढक्कन को खोल दिया था और उस ढक्कन को डॉक्टर एनिमो ने ले लिया था। तो बेन की वहाँ पर सबसे बड़ी गलती थी। नंबर थ्री, बेन जस्ट किल हिमसेल्फ। यानी कि गाइस, हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के एक एपिसोड में देखने को मिला था कि बेन जो है वो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चला जाता है। अल्टीमेट्रिक्स के अंदर जाने के बाद वो अल्टीमेट एलियन से लड़ता है, पर वहाँ पर बेन से एक गलती ये होती है कि गाइस वो खुद को मारना चाहता था। मतलब कि जब सारे के सारे अल्टीमेट एलियंस बोल रहे थे कि तुम मरोगे तो हम लोग जिंदा हो जाएंगे, तो वहाँ पर बेन जो है वो कूद जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता था। वहाँ पर बेन की ये सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा था। तो ये बेन की सबसे बड़ी गलती थी कि बेन ने वहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहा। नंबर फोर, बेन शुड नॉट हैव लेफ्ट विलगेक्स। अब हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला था कि बेन के पास जब आ जाती है एजमत की तलवार, तब बेन जो है वो विलगेक्स से ले लेता है डायगन का पावर, पर वहाँ पर वो विलगेक्स को छोड़ देता है। इसी तरह वहाँ पर वो कुछ नहीं करता है, एजमत आता है और एजमत अपना तलवार और अल्टीमेट्रिक्स दोनों ले लेता है और बेन को एक न्यू ओमनीट्रिक्स दे देता है। तो गाइस, वहाँ पर बेन से ये गलती हुआ कि उसको विलगेक्स को नहीं छोड़ना चाहिए था उस टाइम। अब मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया है कि विलगेक्स आखिर कहाँ गया था। अगर गाइस वो फैन मेड थ्योरी सही है तब तो ये ठीक है, नहीं तो विलगेक्स को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था बेन को। ये बेन की एक और मिस्टेक थी। और नंबर फाइव, बेन फ्रिक्वेंटली यूज फीडबैक। अब हमें बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिला था कि बेन का फेवरेट एलियन था फीडबैक और वो फीडबैक को इतना ज़्यादा बार यूज करता था, वो किसी भी एलियन को और यूज ही नहीं करता था, वो सिर्फ फीडबैक और फीडबैक को ही यूज करता था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि हमें देखने को मिला था कि वो मेलवेयर के खिलाफ बार बार फीडबैक को यूज करता है और मेलवेयर इस बात को समझ जाता है कि कैसे हटवाना है फीडबैक को, क्योंकि फीडबैक को बार बार बैन यूज करता है, तो वहां पर वो फीडबैक को ही मिटा देता है। मेलवेयर जो है वो फीडबैक को ही मिटा देता है और वहां पर बैन इतना ज्यादा उदास होता है कि वह फिर से ओमनीट्रिक्स को भी नहीं पहनता है। तो ये बैन की एक और मिस्टेक थी। तो ये पांच कुछ ऐसे मिस्टेक्स था जो कि बैन ने अपने लाइफ में किया हुआ है। अगर बेन उन गलतियों को नहीं करता तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता जीतने में। पर गाइज, हम लोग जानते हैं कि गलतियां सभी से होती हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।